ओके, सो टुडे वी आर सपोज टू डू एग्जाम्पल 5। आई होप कल वाली एग्जाम्पल में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आई एक्चुअली शोड यू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। सो वो बेसिकली आई वुड से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स दैट वी हैड। उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाई है। सो इफ यू मिस्ड आउट ऑन दैट वन, लाइक हम्बल रिक्वेस्ट, वो वाला लेक्चर अच्छे से थोड़ा फॉलो कर लो। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता या वट एवर इट इज लाइक, बट वेन एवर यू गो टू ड्रॉ दीज थिंग्स, वेन यू गेट एन एग्जाम और समथिंग, वहां पे ये मिस्टेक्स होती हैं। सो हाउ टू करेक्ट देम, लाइक प्लेन्स की ओरिएंटेशन, सिमेट्री कैसे देके आनी है, कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करने हैं। सो वी अप्लाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 5। इट्स आई वुड से अगेन अ गुड एग्जाम्पल। इसमें बेसिकली यू गेट टू नो हाउ टू बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम अप टिल नाउ यू हैव बीन स्केचिंग, आई वुड से ऑन पर्टिकुलर प्लेन्स, ठीक है ना, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन। ये एक क्वेश्चन है जिसमें यू गेट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्केचिंग एनवायरमेंट। नॉट डिफरेंट, यू हैव अप्लाइड इट ऑलरेडी। आप सर्फेसिस के ऊपर स्केच करते हो, ज्यादा स्केचिंग आपकी सर्फेसिस पे है। सो दिस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको वो थोड़ा हिंट मिलता है। सो वी कैन अटेम्प्ट दिस एग्जाम्पल इन टू वेज। वन इज बेसिकली यू गो फॉर आई वुड से द कंस्ट्रक्शन पार्ट, कि आप एक बार ये वाला एक्सट्रूड करो, यहाँ पे ये जो आर्क दिख रही है बेसिकली, आई वुड से यू एक्सट्रूड इट ऑल द वे लॉन्ग, ठीक है, अप टिल 100 यूनिट्स, एंड देन यू बेसिकली क्रिएट दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज 30 50 30, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज 40, एंड लाइक दिस स्लॉन्टेड एज एंड देन 40। सो यहाँ पे व्हाट यू गेट टू डू इज यू गेट टू लाइक गेन द नॉलेज ऑफ डेटम प्लेन्स। अभी तक आपने डेटम प्लेन्स नहीं देखे। आपको मैंने ये वाले जब एक्सरसाइज करवाई थी ना, तो मैंने आपको एक डेटम एक्सेस बनाना सिखाया था ताकि हम कोएक्शियल होल कर पाए। आज मैं आपको ये एग्जाम्पल जब फर्स्ट वे में अटेम्प्ट करूंगा तो मैं आपको डेटम प्लेन बनाना सिखाऊंगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर उसका रेलिवेंस ही आ जाता है। सो आपको डेटम प्लेन्स की नॉलेज मिल जाएगी। सो विल फर्स्ट ट्राई दिस विद आई वुड से गोइंग लाइक कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स अप। द सेकेंड वे इज बेसिकली यू कंस्ट्रक्ट अ क्यूबॉइड, बेसिकली 90 by 90 का एक्सट्रूडेड अप टू 100, एक फुल क्यूब बनाओ और उसमें आप एक्सट्रूड कट्स लगा लगा के मटेरियल रिमूव करो। सो दैट्स द सेकेंड वे, ठीक है। सो आई विल शो यू दैट वन एज वेल। सो लेट्स अटेम्प्ट द फर्स्ट वन, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो लेट मी गो टू द स्क्रीन फर्स्ट। सो वे शुड बी स्टार्ट, कौन से प्लेन से मुझे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए अगर मुझे ये वाली चीज स्केच करनी है, दिस वन। एनीवन हु वुड लाइक टू टेक अ गेस? राइट राइट सर, राइट प्लेन। बिगिन विद द राइट प्लेन, ठीक है। सो विल गो टू एक्सट्रूड, विल टेक द राइट प्लेन एंड बेसिकली विल गो टू स्केच सेटअप। इसका रेफरेंस बन रहा है टॉप पे। सो टॉप प्लेन वो बोल रहा है लेफ्ट पे। वेयर शुड आई ओरिएंट दिस क्विकली, टेल मी। टॉप टॉप, करेक्ट। किसी को डाउट तो नहीं है अभी? आई होप सबको ये वैसे क्लैरिटी आ जानी चाहिए। लाइक इट्स आई थिंक क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम कि अब ये चीज पता लग जाती है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट दिस वन। आई थिंक द सॉर्ट ऑफ डायमेंशंस वी नीड इज दिस इज 90, दिस इज 90, एंड आई थिंक वी हैव गिवन दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन। It's saying equivalence, we delete it. Okay. There is one more dimension that's coming up. We can show it and we can avoid it depending upon how you want. But I would prefer to like hide it. What we can do is basically we can take the perpendicular command. We can make this perpendicular to this. So this way you can deal with this one. Okay. So you can select everything, modify, lock scale. This is something 90. I think yahan pe 90 ki hi hai. Anyone having any doubts? I was a bit quick about it because I feel it's a simple symmetry. Yahan se it's not that tough to create. So this is 10 units and this is 10 units as well. All right. So I think this has to be extruded up till 100 units. So we can extrude it up till 100. Let's say we orient it in this way. Yeah, I think it's fine.
सो ये आपका फर्स्ट एक्सट्रूड हो जाता है, ठीक है? नाउ वी गो टू द सेकंड पार्ट. व्हाट्स द सेकंड पार्ट दैट आई विल कंस्ट्रक्ट? आई विल डू दिस एक्सट्रूड, ये वाला. बट वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट अ होल कमांड एंड अ राउंड कमांड. सो आई विल नॉट क्रिएट अ एक्सट्रूडेड होल कट हियर और अ फिलेट हियर. आई डू इट लेटर. तो मैं पहले ये वाला ब्लॉक बना लेता हूँ. इसकी डायमेंशन हमें शो की हुई है. दिस इज 20 एक्सटेंडेड दिस साइड, 20 एक्सटेंडेड दिस साइड. सो दैट्स ईजी अगेन. आई वुड से वी विल चूज दिस पर्टिकुलर प्लेन to construct that geometry, okay? So I've chosen this plane. I'll go to extrude. Let's say choose this plane. And then you want to sketch setup. Then again, you need to set it to top. You can sketch it. So this is what you get. You can set some references. Aapko references ki zarurat padegi, but dono references waise provided hai. So you need not worry about it. You can close this one. So you can just basically set up this thing. And I would say what you need to specify is these two dimensions. One is this one and one is this one. Both of them are 20. And you say okay, all right? So now you need to be careful. This has to be extruded 20 units, I think. Hanji, iski dimension yahan pe 20 specified hai. So you need to be careful, ये पीछे को बनाना है, आगे को नहीं बनाना. So that's the mistake you might encounter. इसको पीछे बनाएंगे, पीछे को extrude कर रहे हैं. All right? So that's it. You're done with the second part as well. So you've got two extrudes. Now you need to have a round of what dimension? Of dimension 30 here. So you can do a round here. So this is one of the features here. So you go to round, you go to this edge, you select this one, you just specify it to be 30. And that's it. And then you go to the next option. You have to create a hole jiska distance upar ke edge se 45 hai, side ke edge se 45 hai, and this dimension is 15. So you specify 30 because you're supposed to create a hole. Usme diameter ki dimension specified hoti hai aur koi nahi. So you just go to hole, you select this surface, you have these two snap points, theek hai? Ek ko pakdo, is edge ke upar snap karwa do. You can see this is an open sort of a rhombus thing. यहाँ पे आते ये rhombus close हो जाता है. So when it gets close, it means कि वो snap होने को तैयार है. So you snap it here and then you snap it up above as well. अगर कोई देखना चाहता है कि ये right view से कैसे दिख रहा है, this is how it looks. So this is the distance, I would say, sorry. So this distance is specified as 45 and this distance is also supposed to be specified as 45. ये वाला डिस्टेंस आपका 30 स्पेसिफाइड है. आर 15 बोला है तो डायमीटर 30 हो जाएगा. नाउ इफ यू कम राइट बिहाइंड, ये डायमेंशन स्पेसिफाइड नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो एंड बेसिकली एक्सट्रूड अप टू द और ड्रिल अप टू द नेक्स्ट सरफेस. सो यू गेट रिड ऑफ दिस डायमेंशन एंड यू गेट अ होल. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टिल नाउ? किसी भी तरह का कोई भी डाउट? सो इन द फिगर गिवन इन द शीट जो आपने राउंड यहाँ पे बनाया है साइड व्यू में उसका रेडियस 80 दे रखा है, बट वी डिड नॉट स्पेसिफाई दैट, सो विल दैट बी अ प्रॉब्लम? एक्चुअली ये एक्स्ट्रा डायमेंशन है, यू डू नॉट नीड इट. यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 80, राइट? यस यस. पहली बात, ये राउंड नहीं है, ये फर्स्ट एक्सट्रूड जो है ना, ये आप इस आर्क की बात कर रहे हो जहां तक मुझे लगता है. यस सर, राइट. ये दिस वन. सो यस सर, यू कैन जस्ट लाइक गेट रिड ऑफ इट. इवन इफ आई ट्राई टू स्पेसिफाई इट, लेट्स सी ये कितना आता है. It is actually 80. Okay. मेरा point समझ गए? Yeah, I got it. You do not need to specify it. If you just give a tangency condition here, even then it will be 80 with all these dimensions like 10, 10, 90 and 90. ये arc बनेगी ही 80 की. Okay. So you need not specify it. ठीक है? Okay sir. All right. So this is what you get. Data access नहीं use कर सकते hole बनाने के लिए. हाँ जी. डेटम एक्सेस का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा. जब आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे डेटम एक्सेस इसलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि उसने बोला था कोएक्सियल होल करो. स्क्रीन का साइड आई डोंट नो इफ दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली. यहाँ बोला था कि कोएक्सियल होल करो. उसने बोला था कि एक एक्सेस को पकड़ो और फिर होल करो. बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ये डिस्टेंसेस स्पेसिफाइड नहीं थे कि सेंटर से होल के ये डिस्टेंस कितना है. उसने नहीं बताया. कैसे नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, उसने बोला है कि सेंटर से ये डिस्टेंस 45 है, सेंटर से ऊपर के एज का डिस्टेंस 45 है.
यहाँ पे उसने ये बात नहीं बोली, उसने बोला को एक्शन. सो ये वाली जो बाहर की आर्क थी, मैंने इस सरफेस की जो आर्क है उससे एक डेटम एक्सेस जान के बनाई थी, बिकॉज फिर मैं उसका यूज करने वाला था. यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई आर्क ही नहीं है, सो आई कांट डू इट. ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर. ठीक है, so now let's move to the next extrude, next concept. This is 30, 50, 20, 30, this one. So how can we make it? Now you have two options. Either you can choose this plane here, जो यहाँ पे ये plane है, या तो इसको select कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते आप इस surface को select कर सकते हो. दोनों में से कोई भी option चुन लो, they are both perfectly fine because they are joined here, they are being constructed on the same thing. So I'll make a geometry and I'll extrude it this side of the screen. So how do I do that? Let's say I choose this surface now. So main surface ko chun leta hu and then I'll sketch it up. Okay, I need to sketch references. I'll orient it to the top. And I need some references now. I don't know where I'm looking at. So I need this, this, and I would say I need, yeah, this one as well. So mujhe kuch references chahiye, otherwise mujhe dikh nahi raha tha ki kahan pe main apne points ko snap karunga. So what are the dimensions? मुझे फ्रंट के पॉइंट से 30 आगे आना है, 50 नीचे जाना है, एंड देन आई वुड से वी डोंट नीड दिस डायमेंशन, वी जस्ट नीड टू गो 30 डाउन. सो लेट्स टेक दिस वन. सो यहाँ से मुझे 30 आगे आना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, एंड आई नीड टू गो अ बिट अहेड, और यहाँ पे इस एक्सिस पे यहाँ टच करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली आप यहाँ पे इसको चाहो तो कंप्लीट भी कर सकते हो, नोबडी वुड बॉदर. I would say you can delete these two lines. यहाँ पे दो lines नहीं, एक line ही draw करो. I did a mistake. ठीक है? And then what you need to specify is this is, wait, this distance is 30. Sorry. And this distance is something. And I think this distance is momentum entity horizontal coincide. What is troubling it? Horizontal point on entity. I think we can delete this one. Yeah, so these are the three dimensions that need to be specified. This can be 30, this can be 50, and this can be 30. Let me wait. All right, yeah, that's all set. So, kisi ko koi doubt? No, if you sir. Want to have a look in a 3D view, ki ye kahan bana hai? Ye yahan pe bana hai. Agar dhyan se dekhoge, ki ye समझने की बात करूं, मैंने यहाँ से ये सरफेस चुनी थी और ये यहाँ पे मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया है और वो मैंने अंदर रखा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लाइंस एक्सटेंड कर दी, मैं इंटेंशनली करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि देयर इज नो लाइक नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ मास इंटरफेरेंस, ऑफ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. इट्स जस्ट अ सरफेस मॉडलिंग ऑप्शन, आप कर सकते हो, दिस इज अलाउड. सो इफ यू क्लिक ओके, सो दिस इज what is it, this is what is expected of you, ki isko aise construct karna hai. So anyone having any doubts? All good? So we go ahead and say okay, so this is it. Now the point is that you need to have this sort of a feature here, which is 40 ahead, you have a slanted portion, you have 40 down below, but this thing is from this particular surface ye aage 40 ki taraf hai. And here, if I have a look, I don't have any reference. मेरे पास कोई भी reference नहीं है. मेरा cursor हवा में है. Like, I don't have anything to choose. How should I come 40 ahead and construct it? I can't do it. मेरे पास यहाँ पे ये surface थी. उस surface से मैं 20 ahead आ गया इस चीज को लेके. ये edge 20 ahead हो गया. But अब यहाँ से 40 ahead कैसे जाएंगे? So this is where you need to make use of datum planes. So datum planes कैसे लगाते हैं? You have this option here, right above. Which is basically datum plane. अब इस plane को चुन लेते हैं. So I'll select this plane, and then it is asking कहाँ से लेना चाहते हो ये plane? मतलब आपका reference क्या है? किस direction से आगे बढ़ना चाहते हो? या किस surface से? मैं कहता हूँ मैं इस surface से. Like if I rotate it a bit, इस surface से मैं आगे आना चाहता हूँ. You can see a new plane has been constructed. अभी उसका distance zero है. मैं कहता हूँ नहीं zero नहीं. Let's say 10 units ahead. Look at how this thing will move ahead when I go 10-10 units ahead. 10-10 sirf intentionally aapko karke dikha raha hu so that you see how this plane can be like brought to 40. It can be brought to 40 like within click only. But main 10-10 sirf demonstrate kar raha hu ki kaise dheere dheere aage aa raha hai. So you get an idea ki datum plane ek extra plane add hone wala hai. Theek hai? So if you click
10 एंड देन हिट एंटर, वो आगे आ गया. लेट्स से 20, वो और आगे आ गया. लेट्स से 30, वो और आगे आ गया. लेट्स से 100, वो प्लेन और आगे आ गया. सो यू जस्ट नीडेड 40, ओके. तो आप 40 क्लिक करो. सो दिस इज वेयर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट फीचर, 40 units ahead of this green surface, and you click on okay. So you can see a new datum plane. Yahan pe ek model tree mein aapke extra plane bhi aa gaya. You have the right plane, top plane and the front plane. Ek extra plane aapne generate kar liya. So this is a new command that you have not like implemented up to now. Sir, ek baar dobara batana, datum plane aaya kahan se? Sorry, bolna kya bol rahe ho? Sir, datum plane ki option kahan se aayi thi, ek baar batana. Ye, okay, I'll delete and I'll put it again, okay. Yahan pe टॉप पे ये प्लेन है, देखो. कैन यू हैव अ लुक हियर? यस सर. इसको क्लिक करो और फिर वो आपसे रेफरेंस मांगता है. कहां से रेफरेंस लेना चाहते हो? आई टेक दिस एज अ रेफरेंस, दिस ग्रीन सरफेस. एज इन व्हेन आई डू दैट, वहां पे कितना डिस्टेंस आ गए? आई वांट इट ऑन 40 ओनली. सो आई क्लिक ओके एंड दैट्स हाउ यू गेट अ डेटम प्लेन. ओके सर. एंड वंस यू गेट द डेटम प्लेन, नथिंग. अभी आगे आओ, यू टेक द एक्सट्रूड कमांड, यू चूज दिस प्लेन नाउ, दिस डेटम प्लेन, एंड देन यू गो टू स्केच सेटअप, यू हैव दिस. And now you'll be constructing on this plane, all right? Let's take some references. You need this, you need this, you need this, and I think, yeah, that's all. Now, what you need to do is, you need to come, I would say, 40 ahead, go down straight below, and then 40. So you come, I would say, 40 ahead, thoda sa aap neeche jaate ho, yahan touch karte ho. Again, you can go back and touch it here. Again, I think I need to have a single line. यहाँ से सिंगल लाइन ही लेनी चाहिए. आई एम डूइंग अ मिस्टेक टाइम एंड अगेन. ये एक सिंगल लाइन रखो, नहीं तो डायमेंशन आएगी एक्स्ट्रा वीक, तो वो मुझे चाहिए नहीं. सो आई वुड से दिस डिस्टेंस इज द 40 डिस्टेंस. लेट्स से वी डोंट नीड द कोइंसिडेंट पार्ट. दिस डिस्टेंस इज अगेन द 41. व्हाट एल्स इज गिवन? वी हैव 40, 40, 10, 10. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर? So yeah, I think you can make it coincidental. What else? What else? What else? Wait, Wi-Fi. Ah, okay. Let's make it coincident on this line then. Point an entity. Which one? Point an entity. The horizontal constraint bhi de sakte hain. Let's try it out. Point, yeah, you can give it. Yeah, pe 103.96 ko delete kar dete hain. You can do the horizontal constraint as well. No issues. So you can give 40 and then you can give this one as 40. I think 40 hi hai ye. And yeah, 40 ahead, 40 down below. And then this is an extrude of 20. But before I do the extrude, look at where this plane is being constructed. Ye sketch kahan ban raha hai, ye dekhna zaruri hai. I hope nobody has an issue ki ye plane yahan pe maine rakha tha aur uske upar maine sketch kiya. Alright, so yahan se when I go for the extrude part, so you see, yahan se 20 units ka extrude, isi direction mein agar karenge, this is what you wanted. So you'll get this one. Okay, so this is the final geometry that you get. जब ड्रॉइंग में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ एक्सट्रूड गिवन नहीं होता है, तो उस केस में हमें मिनिमम नंबर ऑफ एक्सट्रूड्स में करना होता है। हाँ, I would say in this particular question you have this option of extrude, cut, hole and round. तो उन्होंने कहा है कि सबको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाओ, alright? But यहाँ पे मेरा इंटेंशन अभी ये था कि मैं आपको डेटम प्लेन समझाना चाहता था, because many students don't know about the concept because we haven't talked about it up to yet. So datum plane दिखाने के लिए I went this way, but you're absolutely right. हमें यहाँ पे जितने minimum steps में, when you get a question in the exam, वहाँ हम आपसे demonstration नहीं मांगेंगे, वहाँ पे question इस sense में नहीं होगा, like the way it is here because it's a practice sheet. वहाँ you just get this structure and you get this side of the sheet. So you have to perform each and every like the steps in such a way कि minimum number of steps हों. तो वहाँ पे ये round और hole demonstrate करने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर बोला नहीं हुआ, अगर नहीं बोला हुआ, you'll straight away do it in one shot. Like the whole command, this round command and the extrude will be converted like into just one extrude. But trust me, वहाँ पे we'll talk about holes जो होंगे ना, आपको बनाने पड़ेंगे, आपको पता लग जाएगा. वो कैसे पता लगेगा? अभी यहाँ पे R15 दिखाया हुआ है. वहाँ पे R15 के बाद हम आपको basically ये वाले जो holes होते हैं ना यहाँ पे,
स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड होल्स बोलेंगे कि बेसिकली M8, M1 क्रॉस 25, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक्सट्रूड से नहीं बनेगा, ये होल कमांड से ही बनेगा. हम बोल देंगे काउंटर सिंक या काउंटर बोर्ड डायमेंशन इतनी है, सो आपको आइडिया रहेगा कि ये एक्सट्रूड कट से नहीं करना, चाहे एक स्टेप ज्यादा आ रहा है, पर दिस इज द करेक्ट वे कि मुझे ये करना ही होल कमांड से. ठीक है, मुझे डेटम प्लेन समझाना था, सो आई शोड यू कि दिस इज द वे टू डू इट. इसमें कट शो नहीं होता, अगर चाहो तो वैसे यहाँ पे इसको एक पूरा स्क्वायर बना सकते हो, इसको कट कर सकते हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट वी विल अवॉइड दैट. Now let's do the second way. In the second way, what we'll do is ये वाला जो part है ना, यहाँ से जो मैंने surface पकड़ी है, इसको पूरा एक cube बना के cut करके draw करेंगे. ठीक है? So let me delete everything. इसमें किसी को कोई doubt तो नहीं, datum plane or anything, because I'm about to delete everything. No sir. All right. So we'll again go to, I would say, the right plane. ठीक है? We'll choose the right plane. We'll go to extrude, we'll get set up, we'll put the top orientation, a reference of the top plane to the top. Yahan pe, we'll just go and do this. Oh, sorry. So this is supposed to be 90 and this is supposed to be 90 as well. So yahan pe you just go and extrude it. You extrude it up till 100 and you say okay. Now you choose the first surface. Abhi sare cuts karke dikhane hain. Waise ye aapko lab mein khud karne chahiye, but I'm still demonstrating. But let me, yeah, ek second. So we choose this surface. We're gonna basically go for that arc here. Yahan pe ye 90-90 wali jo arc hai, we'll quickly go and make an extrude cut about this position. Isko extrude pe lo, basically, okay. Yahan pe sketch setup mein se main top pe kar leta hun. Abhi orientation correct hai, easy ho jayega. So what I'll do is, yahan pe, you basically need this line. And I would say, wait, you don't need this line. You need an arc first, theek hai? We'll take an arc. इसमें एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एंड समहाउ ये भी यहाँ पे रख देते हैं. ऑलराइट, वी नीड टू क्लोज दिस बिकॉज अभी मैं उल्टा पोर्शन जो है, जो ऑपोजिट पोर्शन है, इसको रिमूव करना चाहता हूँ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो यहाँ से अब मुझे डिस्टेंसेज अगर स्पेसिफाई करने हैं, आई स्पेसिफाई दिस डिस्टेंस एज 10 बिकॉज मुझे शो ही यही करने थे, एंड दिस डिस्टेंस एज 10. 90-90 में शो कर चुका हूँ, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. और आप इसको जैसे ही 10-10 स्पेसिफाई करोगे, वो अपने आप अलाइन हो जाएगा जैसे आपको चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अगेन हैविंग अ वीक डायमेंशन हियर. अगर आप ध्यान से देखो, एक वीक डायमेंशन आ रही है, सो हम इसको रिमूव कर सकते हैं. वी मेक दिस आर्क परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड यू गॉट रिड ऑफ द वीक डायमेंशन. यू जस्ट से ओके, नाउ लेट्स से वी ओरिएंट इट, सो इट इज एक्सट्रूडिंग आउट. आई विल गो द अदर वे, आई विल एक्सट्रूड इट दिस साइड, मेक इट एन एक्सट्रूड कट 20 यूनिट्स. You're done, and this is okay. All right, so this is the first extrude cut. Now you need to go a step ahead and then remove this part. 20 units yahan se remove karna hai. Again, you need to make that 40-40 line here. So we'll go to extrude. We'll go to this thing. We'll orient it. Again, the orientation is not correct. For convenience, I'll put it to top. If anyone feels I'm going a bit fast, they can let me know. I'll slow down the pace. Theek hai? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट. आई एम होपिंग एवरीवन इज गेटिंग द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, तो मैं थोड़ा फास्ट आ रहा हूँ. सो नाउ यू नीड टू हैव दिस थिंग टू बी रिमूव्ड. सो व्हाट आर द डायमेंशंस? द डायमेंशंस आर 40 हियर. दिस इज नॉट द मिड पॉइंट आई नीड, आई जस्ट डिलीट इट. यू नीड दिस थिंग एज, वी नीड अ रेफरेंस हियर. आई मिस्ड आउट ऑन अ रेफरेंस. Okay, we don't need the reference. I can still specify the dimension. Oh, no, I think we need a dimension here somehow. Okay, we got a point here, so that's easy now. So we'll take this point and this point as 40.
So this is coming out to be 90. Let's see why. We need to go to modify. We need to change it a bit. Okay. We need the horizontal constraint. So this is not the dimension we need. So this is it. Okay. Anyone having any doubts? All good? So let's click OK. Sorry, I think I need to go and check what I did. Yeah. So isko bhi aapko extrude cut karna hai. So you go back, remove material. You just need to go back by 20 units. So this is what is expected of you. Okay. So you just click on OK. So just keep a track of this, that I'm using all the dimensions that have been listed out here. मैं कोई एक्स्ट्रा डायमेंशंस अभी भी नहीं स्पेसिफाई कर रहा। अगर मैं चाहे ऑपोजिट भी बना रहा हूँ, पहले मैं एक्सट्रूड करके कंस्ट्रक्ट कर रहा था, अभी मैं एक्सट्रूड कट्स करके रिमूव कर रहा हूँ, डायमेंशंस अभी भी वही रखी हुई हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन अभी भी शो नहीं की। सो नाउ लेट्स मेक द थर्ड थिंग विच इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर विच इज ऑफ दिस सॉर्ट फॉर 40 यूनिट्स इन दिस जोन। तो अभी यहाँ से मेरे को कोई डेटम प्लेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। सो यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ये सरफेस लेता हूँ, I'll put it to sketch view, sketch reference, put it to top, sorry, top, and sketch setup. Let's take some references. ये वाला पार्ट पूरा references से बन जाएगा, हमें इसमें ज्यादा कोई construction, कोई dimension देने की जहां तक मुझे idea है, 40 units के अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. So you need this point, you need these two points, yeah. And then you need this line here. And you just click on OK. Okay, just reverse the direction. So yahan pe aapko ye direction mein sirf 40 units peeche jana hai. Isse zyada nahi jana aapko. So you just say OK. So you got the third cut as well. So yahan se ye wala cut bhi aapko mil gaya. Now this is the thing. 30, 50, 30 wala. Isko construct karke hai. So you go to extrude, you go to this surface, you take this direction, put it to top, then you take sketch and then some references. You need this particular one, this one, this one. Yeah, that's all. So you go ahead, down. And I think, yeah, this is all you need. So this is the portion that needs to be removed. ठीक है? Why? Because अभी वो वाला portion तो बना हुआ है. इसमें से ये वाला portion ही extrude करना है. 30, 50, 30 इसकी dimensions हमें specified हैं. We can specify the dimensions. We need this dimension to be 30. We need this dimension. We need a reference here. So ये point ले लेते हैं. So we need this dimension and this dimension to be 30, and then we need this dimension. It's saying horizontal, horizontal, horizontal. What else? Coincide. I would say delete this one. Or do not delete it, I think. Or let's see. Oh, we don't have any dimension in this. 50. Let's see. How do we specify this one? 50. Horizontal. So ये portion आपको मिल गया, and then you just go this side, remove it on this side, and all you have to do is like remove up to the next surface and click OK. So कोई doubts किसी के भी किसी context में? Sir, reference point कैसे लिया हमने? Reference point कैसे लिया हमने? यहाँ पे section में जाते हैं, इसको देखते हैं. अपने आप लेते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट होता है कि वहां पे रेफरेंस लाइन आएगी या पॉइंट आएगी. उसको यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट ही दे सकता है रेफरेंस का, यहाँ लाइन नहीं है. मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे एक बार क्लिक करने पे वो हमें पॉइंट दे देगा, रेफरेंस पॉइंट. जी जी जी. ओके सर, थैंक यू. कोई डाउट तो नहीं है? ये जो अभी वाला पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट अभी इजी है. इसमें बस अब ये ध्यान से देखो कि अभी जो मैंने सारे प्रोसीजर्स किए वो मैंने सरफेस के ऊपर किए हैं, सारे सरफेस कट्स हैं. सो ये डिफरेंट है पहले से. आप प्लेन्स के ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हो यूजली, मैं सरफेस के ऊपर कर रहा हूँ. अभी भी लास्ट वाला भी आप चाहो तो प्लेन से कर सकते हो,
बट आई वुड से लेट्स डू इट ऑन सरफेस एज वेल. ये वाले पे भी लेट्स से आप यहां से एक लाइन बना लो and then all you need to dimension is this distance and this distance. This is 20 units. This is again 20 units. You click on OK. And this is just 20 units. Okay. So we are careful ki humne extrude us taraf ki hai. So OK. You just go to round. You take this edge, which is 30. लाइक ऑटोमेटिकली पहले हम कर चुके हैं तो उसने याद रखा. विल टेक अ होल, विल स्नैप इट टू दिस अपर पोर्शन, विल स्नैप दिस टू द साइड पोर्शन, विल गो टू रिप्लेसमेंट. दिस इज 45, दिस इज 45, द डायमीटर इज 30. वी ड्रिल इट अप टू द नेक्स्ट सरफेस. वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा डायमेंशन. वी क्लिक ऑन ओके. सो आपकी सारी कमांड्स जितनी भी हैं, मतलब एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट, होल एंड राउंड, एवरीथिंग गॉट इम्प्लीमेंटेड. सो दिस इज how you actually do the question. Okay, the first way I demonstrated, it was more about how do you implement datum planes. The second one is actually how you solve the question. So any concerns, any doubts? So earlier there was a doubt that when, you know, it's not given that kitne steps pe karna hai, toh you have to try to do it in as minimum as number of steps as possible, right? Yeah. So in this last, jisme aapne round or hole alag alag kiya hai, if we take the surface as our reference and we draw it with an arc and a hole itself, extrude it with the hole itself, that's also correct, right? Yeah, agar ye specify nahi kiya hua ye cheez, so fir aap bilkul correct ho. ठीक है, बट इसको अगर स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, एंड आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है और यहाँ पे एक आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखा, लाइक सर्कुलर होल दिखाया हुआ है और वहां पे कुछ मेंशन किया हुआ है लाइक M1x25 या M1x2.5 या M7x8 समथिंग लाइक दैट. सो यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि ये होल कमांड है. एक्सट्रूड कट में वो सिर्फ रिमूव करता है, एक सर्कुलर होल दिखेगा. But when I say M7 cross something, what I mean is this hole, if I go and go into its like edit definition, you go to the standard and then you say ISO M, let's say 7x1, yeah, 7x7.5. So you need to be self-aware ki ye hole command hai. Wahan pe phir ye extrude cut nahi hoga. Theek hai? Right. Okay. Yeah. So I would say, yeah, this one is okay. All right, anyone having any other doubts apart from this one? Sir, wo screen share karte hain. Sure, okay. So let's see Ayush ka. Ayush, ek bar dobara kuch bolna, main aap gum ho gaye kahan gaye. Yeah, keep your mic on. Okay, I'll make you the co-host. Okay, you can do it also. Ji. Sir, main keh raha tha sir, jo aapne datum plane ka concept samjhaya hai na abhi sir. Puri main sir isme laga ke dekh raha tha. ओके, पर आपका क्वेश्चन क्या है जो आप हर बार पूछते हो? सर क्वेश्चन ये था सर, तो ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट जी सर, मेरा जो ये वाला पार्ट था वो यहाँ से आ रहा था, शुरू हो रहा था. दिखाओ जरा अपना एक्सट्रूड कहाँ पे बनाया, पहला एक्सट्रूड दिखाओ जरा, उसका सेक्शन वो दिखाओ, स्केच 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 स्केच. ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ सेक्शन, हाँ जरा इसको वो स्केच व्यू में डालना, इसकी ओरिएंटेशन दिखाओ क्या की है. तुम्हारा राइट प्लेन वहां पे है, तो तुमने इसको नीचे बनाया है पहली बात तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, इससे भी बन जाएगा, नो कंसर्न्स अबाउट दैट. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला फिर जब आप बना रहे हो ओके कर दो इसे, क्लिक ऑन ओके. ठीक है, when you're constructing the second part, उसका सेक्शन दिखाओ जरा, वो कहाँ पे दिया? सेक्शन कहाँ गया तुम्हारा? क्लिक ऑन ओके कर दो, या एक्सट्रूड टू में जाओ, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेक्शन, हाँ इसमें ये दिखाओ. जरा एक बार रीफिट करना, जरा सिलेक्ट रीफिट ऊपर से,
ये क्या बनाया तुमने। ओके ठीक है ऑलराइट, इसको स्केच व्यू में सेट करो जरा। यहाँ ये वाला स्केच व्यू प्रेस करो। ठीक है आपने ठीक बनाया। नहीं सर, क्वेश्चन ये नहीं था मेरा सर, क्वेश्चन ये था, वो तो सर अब बन गया ना सर इसमें। सर पहले क्या हो रहा था, पहले जो प्लेन आ रहा था मेरा, वो प्लेन मेरा ऊपर आ रहा था यहाँ पे, ये वाला प्लेन। तो आप जब देखो इसको, फिर ये था कि बेसिकली आज जैसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं हाँ सब वैसे ही कर करा मैंने। रहा था एक्सट्रूड करने के लिए, तो आपको भी वो नीचे के उसके जो आपके ऑब्जेक्ट के आई वुड से बेस है ना, वो बेस पकड़ना चाहिए था। जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आओ इस ऑब्जेक्ट को, हाँ नीचे से जहां पे ये बेस है ना इसके आई वुड से लेग्स जो बनी हुई है उसको नीचे से सिलेक्ट करना चाहिए आपको। कर्सर थोड़ा राइट लेके जाओ, थोड़ा सा अभी थोड़ा लेफ्ट लेके आओ वापस, थोड़ा सा ऊपर, ये वाली, ये नीचे थोड़ा सा नीचे, ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ। इस सरफेस के ऊपर स्केचिंग करो फिर, अगर आपको वो वाली कंस्ट्रक्शन करनी है तो इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सर वो मैंने डेटम प्लेन की कंसेप्ट से कर दिया था। अगर आप इसको बेसिकली, अगर आपको टू एवरीवन, इफ यू गेट दिस क्वेश्चन लाइक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड इफ आई सी दीज मेनी थिंग्स इन द मॉडल ट्री, जैसे अभी मुझे आयुष की स्क्रीन पे दिख रही है, नेगेटिव मार्किंग श्योर शॉट बहुत अच्छे से होगी। आई जस्ट वॉन्ट टू सी एक्सट्रूड वन सेक्शन वन, एक्सट्रूड टू सेक्शन टू, फोर थिंग्स टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू थिंग्स, एक्सट्रूड वन एक्सट्रूड टू। अगर मेरे को डी टी एम 2 1 3 5 6 या वॉट एवर आई एम सींग, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो बी केयरफुल, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने हमें। ऑलराइट सो आई वुड से ठीक है आयुष, यू कैन आंसर। यस सर, एक्सक्यूज मी सर, जी क्वेश्चन सर मेरे को क्वेश्चन 7 में डाउट है। 7, क्वेश्चन 7 थोड़ा स्पेशल है। पहले जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 किस किस ने अटेम्प्ट कर लिया, कहाँ पे हो अभी, हाउ मेनी ऑफ यू पूरा हैव हो गया बीन। है, ओके आई वुड से रेज योर हैंड हाउ मेनी पीपल हैव डन इट, आई जस्ट वांट टू सी लाइक अ रफ स्टैटिस्टिक कि कितने लोगों का हो चुका है। कि राम्या इज देयर, आयुष, देवांत, जस्ट 3 पीपल। ओके आयुष, आदित्य, सो आर यू गाइज फ्रॉम द सेम बैच और आर यू गाइज फ्रॉम अ डिफरेंट मेरा बैच। भी होगा, हाँ पर मेरा भी होगा, वो रेज एंड का ऑप्शन नहीं है। ओके बट अभी कम लोगों का हुआ है। सी आई वुड से दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई वुड से ट्राई टू लाइक गिव इट अ बेस्ट शॉट, ये करके देखो, होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा सो इट्स अ कंसर्न, क्योंकि अभी आप लोगों का स्किल इतना डेवलप हो जाना चाहिए। इसमें जस्ट बी केयरफुल, ये 120 का डायमेंशन नीडेड नहीं है और ये 81 इज लाइक रिडंडेंट, आई डोंट नो ये 81 क्यों है यहाँ पे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 120 एंड 81 को छोड़ के ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई डू इट टमोरो, आई'ल बी डूइंग इट एट अ लाइक अ क्विक पेस, बट आई विल टेल यू द हिंट। आपको सबसे पहले ये सिलेंडर्स बनाने हैं, ठीक है, विच आर बेसिकली एन 83 एक्सट्रूड, और आउटर सर्फेस इसकी जो है वो R40, आपको डायमीटर 40 दिया हुआ है। सो यू नीड टू मेक दीज सिलेंडर्स विच आर 161 अपार्ट। सिलेंडर्स बनाने के बाद यू बेसिकली व्हेन यू एक्सट्रूड देम सिमेट्रिक एक्सट्रूड करो, ताकि आपका जो कटिंग प्लेन जो मतलब फ्रंट प्लेन होगा वो सेंटर में रहेगा। फिर उस सेंटर प्लेन को चूज करके ये नीचे का ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये बनेगा। सो ट्राई टू मेक दिस वन, इसमें 120 का डायमेंशन का जरूरत नहीं है। एंड देन आफ्टर दिस वन दिस इज, सो ऑल दिस गाइज लाइक रेज देयर हैंड, हाउ डिड दे डू दिस, आर यू गाइज लाइक इम्प्लीमेंटिंग द रिप कमांड, आप लोगों ने फिर प्रोफाइल रिप इम्प्लीमेंट किए कि यू गाइज, यस सर, यस सर, परफेक्ट। सो यहाँ पे रिब है, ठीक है, सो इसको ट्राई करो, गिव योर बेस्ट शॉट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल दोनों में खत्म करवा दूंगा वैसे। हाँ जी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था या, हाँ जी कोई सर क्वेश्चन पूछो। आदित्य हाँ आदित्य, सर, इसमें जो R25 है सर, वो 7 वाले जो एज है उससे परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। देखो पहली बात, यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन यहाँ एंड होती है और फिर ये आर्क है, अच्छा सर, सर उसकी समझ रहे डैमेज हो, है। डायमेंशन आप करो इसको यहाँ पे आके टेंजेंट अच्छा करो, खत्म बात। सर, इस पे इफ यू जस्ट की मेक द आर्क परपेंडिकुलर टू द लाइन, आई मीन टेंजेंट टू द लाइन, आई थिंक दैट वी डोंट नीड द डायमेंशन ऑफ दैट। बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे, जो भी आदित्य ने पॉइंट रेज किया, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं लगता कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर देते हैं अप टिल दिस पॉइंट, व्हिच इज रॉन्ग। आर्क यहीं पे एंड हो गई, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है,
और जिसको लगता है कि डायमेंशन आएगी, राम्या ने उसका आंसर कर दिया कि उसको जैसी टेंजेंट करोगे डायमेंशन एलिमिनेट हो जाएगी। राइट सर, क्योंकि बाकी पार्ट्स की तो दी हुई डायमेंशन, बस इस पार्ट की नहीं है। बिल्कुल। तो अब बचा दूसरा डाउट जो सबको आ रहा होगा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लाइक दिस वन, कि ये कर लिया सर, वो हो गया, हो गया, देन दैट्स ग्रेट। ठीक है, so with this you will end, I would say we'll tomorrow try our best to end this tutorial sheet. I'll demonstrate some of the tricks jo aapko pata honi chahiye. So aapka extrude ka jo basically module hai wo kal end ho jayega. So next week se hum revolve ke module mein enter kar jayenge, and we'll be a little quick about the revolve module. Uski nayi tutorial sheet I hope jaldi aapke sath share ho jayegi. Practice as much as you can. Next Monday se main aapko aapka first project bhi demonstrate kar dunga ki kya karna hai. Theek hai, एंड आई वुड से कल अगर कोशिश हमें लगी हम ये hexagonal नट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट आई डोंट थिंक सो टाइम परमिट करेगा क्योंकि ये दो क्वेश्चंस थोड़े हैवी हैं। क्वेश्चन में वो रेड कलर का स्क्वायर है ये जो नीचे है, ये एक एक्सटर्नल, एक्चुअली देखो इसमें क्वेश्चन गलत है, इसके ऊपर फोकस मत करो, तुम फोकस करो कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको ये वाली सर्फेस को पकड़ के एक्सट्रूड करोगे So, ये जो कट होगा ना, इट विल गो परपेंडिकुलर टू दिस सर्फेस, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, पीछे की सर्फेस से जाएगा, पर ये जो कट है यहाँ पे ये डाउन बिल्कुल वर्टिकल नीचे जा रहा है। सो यू नीड टू थिंक हाउ कैन यू डू दिस। सो वी हैव गिवन अ हिंट दैट आपको यहाँ पे एक स्केच बनाना पड़ेगा और उसको एक्सट्रूड करके नीचे लेके आना पड़ेगा। सो यू नीड टू थिंक ये कैसे बनेगा। सो द क्वेश्चन इज नॉट कि ये क्या है, क्वेश्चन इज ये नीचे होल वर्टिकल कैसे जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये सरफेस पकड़ के एक्सट्रूड किया ये स्क्वायर सही बनेगा, जब एक्सट्रूड होगा वो पीछे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, सेवन एट स्क्वायर, स्क्वायर कट जो बना रखा है ये वाला 7-8 वाला, इसमें मतलब हमें मतलब जो ये बनाएंगे मतलब सिंपली मतलब इसे एक्सट्रूड कर दें, बना के देखो क्या होता है, एक बार अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम आपको फिर पता लग जाएगा। और मतलब प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना इसको? यस, यू बेसिकली डूइंग अ एक्सटर्नल स्केच राइट हियर। You need to understand which surface is this. It is basically on this surface. ये वाली जो surface है, ये ही same surface पे आपने एक extrude, यहाँ पे external sketch बनाना है, और उस external sketch को फिर extrude करना है, और जैसे ही extrude करोगे, फिर वो vertically नीचे चला जाएगा। ठीक है? Give it a shot. Otherwise, कल तो मैं करवा ही दूंगा, but give it a shot. This is a good question. ठीक है? Sir, but इसको bottom plane से भी तो बना सकते हैं। Yes, sir. Sir, मैंने वही किया। Yeah, you bottom can do plane that. Yes, you can do that. जी but sir. There will be questions ahead जहाँ पे ये trick काम आएगी. So we are just demonstrating that one here. But you're absolutely correct. नीचे से बनाओगे यही चीज बनेगी. ठीक है? Alright. Right, so let's end the session. We are running a bit overboard now with time. Alright. Okay, guys. Thank you. Thank you.